तुम दोनों हारिस और हरस को संभालो और मैं बाबा को, ठीक है? मस्जिद में क्या खबर थी? ये कौन है इतनी रात गए? इतने जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। तुम ठहर जाओ, मैं देखता हूं। ये कौन? आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। क्या हुआ बता? मैंने वलीद के खिलाफ शेख की हिमायत की थी, शायद इसलिए अपने आदमी भेजे हैं। है खाना खराब हो? तुमने क्यों? तुम्हारे सिवा शेख कूफा का कोई हमदर्द न था? न डरो, वलीद को मुझसे काम है। अंदर चली जा। फरमाइए। मेहमान नहीं चाहिए? मेहमान? मेहमान हबीबे खुदा है। आए हो? तुम्हारा इरादा मेहमान कुशी का तो नहीं है या है? मेहमान इस तरह दरवाजा नहीं खटखटाता और उसकी निगाहें जासूसी नहीं करती। तुम मेहमान नहीं हो वरदान, वलीद के नौकर हो और उसके दुश्मनों के दुश्मन। क्यों? क्या चाहिए वरदान? बात लंबी है, मैं थका हूं अबाकुताम, बैठने को नहीं कहोगे? अबाकुताम, क्या तुम ये समझते हो कि तुम अपने बेटों के साथ वलीद जैसे कुदरतमंद इंसान का मुकाबला कर सकोगे? वलीद जो कुदरतमंद बना है वो तुम जैसों की वजह से। नहीं, कूफे वाले सब वलीद के साथ हैं। देखा नहीं कूफे वालों ने शेख की इख्तदा की? कल रात देखना किसकी इख्तदा करते हैं। शेख कूफा ने अपनी शख्सियत के बावजूद तुम्हारी तरह वलीद से मुखालिफत नहीं की। उन्होंने वलीद से मुखालिफत नहीं की और तुम खलीफा से मुखालिफत कर रहे हो। यही कहने आए हो? बताने आया हूं कि तुम अकेले हो,
ना शेख बैत शिकनों की हिमायत करेंगे और ना वलीद बैत शिकनों को कत्ल करने से डरेगा। कौम अज़द ने अपने हंगामों के बावजूद दीनार बैत शिकन की हिमायत नहीं की। बताओ कहना क्या चाहते। मैं तुम्हारी हिमायत कर सकता हूं, तुम जानते हो कि मैं वलीद का खास आदमी हूं, तुम्हारी मदद कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी, बताओ। कुताम एक कुंवारी लड़की है और तुम जानते हो कि मैंने भी अब तक शादी नहीं की है। बस कर बेदीन। मेहमान पर तलवार उठाना जवां मर्दी है। तुम मुसलमान हो, मेरा सवाल नाजायज तो नहीं था। तेरी शर्त नाजायज है बेदीन। नियाम में रखो। तुम अपनी शर्त बताओ, हमला क्यों करते हो। उताम खुद मुख्तार है, अपना शोहर वो खुद इंतखाब करेगी। कुताम। जी अब्बा। वरदान तुमसे शादी करना चाहता है। अगर वो बंदे खुदा है तो मुझे कबूल है। अगर बंदे वलीद हो तो क्या। उसके साथ जिहाद करूंगी। सुन लिया वरदान, जवाब मिल गया। खुदा करे तुम अपने दीन के सहारे रिया से काम ना ले रहे हो। तुम्हारे भाइयों की तलवारें बेहतर हैं तुम्हारे तीर नजर से। खुदाम। पहला तीर गलत निशाना, कुत्ता चाहा था पिल्ला मिला। लोगों को खुदा और खुरमा दोनों चाहिए। कूफे के मुअज्जिज़ीन में से हो, कूफे वाले तुम्हें मानते हैं। तुम इब्न वहाब, तुम अबू मूसा अशरी, अशस्किंदी, मुझे साफ साफ बता दें, मेरे साथ हो या शेख के। अगर शेख के साथ हो तो खलीफा के मुखालिफ हो, अगर मेरे साथ हो तो खलीफा के साथ हो। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे और शेख के इख्तिलाफात में मैं बेतरफ हूं। अबू मूसा शरी और बेतरफी, मुसलमान की बदतरीन खसलत बेतरफी है। हर मुनाजिरे के दो पहलू होते हैं, एक हक और एक बातिल। जो हक के साथ नहीं वो मुसलमान नहीं। तुम और शेख दोनों बातिल हो, न तुम हक पर चल रहे हो न शेख। तुम दोनों फासिक हो, कूफे को तबाह कर रहे हो। तुम क्या कहते हो अबू मूसा, कूफे के परहेजगारों में से हो, क्या तुम भी इब्न वहाब की तायीद करते हो।
ساری رات میں نے تمہارے اور شیخ کے اختلاف پر غور کیا. تم دونوں کا اختلاف دنیاوی مقام اور مال کے لیے ہے. میں دنیاوی معاملات میں مداخلت پسند نہیں کرتا. تم کیا کہتے ہو اشس؟ رکو گے یا تم بھی جاؤ گے؟ تم امیرِ کوفہ ہو ولید، کہتے ہو تو رکتا ہوں یا چلا جاتا ہوں، تمہاری مرضی ہے، رکو یا چلے جاؤ. میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں ولید، تمہارے حکم سے آیا ہوں. اگر کہو گے تو چلا جاؤں گا. میں کہتا ہوں کہ تم رک جاؤ، میرے رکنے کی بھی شرط ہوگی. ابو موسیٰ کی بات کو میں بھی قبول کرتا ہوں. شیخ کو ریاست چاہیے اور ولید تمہیں مال. میں بھی اسی کے ساتھ رہوں گا جس سے مجھے مال ملے، اور ولید یہ لوگ بھی وہی چاہتے ہیں. اچھی بات ہے. لو آؤ، بیعت کرو. ہو رہا ہے ابو زبید؟ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے ولید. ایک مسجد میں تین تین جماعتیں. کرتے نہ ہو تو خلیفہ ذمہ دار ہے. امیر کوفہ کی مخالفت میں کوفہ گروہوں میں بٹ جائے گا. اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ روز روشن کی طرح واضح ہے. شیخ رسول خدا کے صحابی اور ان کے خادم تھے. ولید کیا تھا؟ قرآن کی روح سے فاسق ہے. ہم فاسق کی اقتداء کس طرح کریں گے؟ ادھر ابو موسیٰ اشعری حق کو چھپا رہے ہیں. امور مسلمین میں بے طرفی گناہ ہے. خلیفہ کوفے کی حالات سے واقف نہیں ہے. شیخ چاہتے ہیں خلیفہ کو کوفے کی حالات سے باخبر کریں. بے طرف نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے؟ اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ تین جماعتوں کا بھید کیا ہے؟ جو دین و دنیا دونوں چاہتے ہیں وہ ولید کی اقتدا میں ہے. جو بے طرف اور تاریک دنیا ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کی اقتدا میں. جنہیں نہ دنیا نہ آخرت چاہیے وہ شیخ کوفہ کی اقتدا میں ہے جو ابھی تک آئے نہیں ہیں. تم جو جہنمی اور بیت شکن ٹھہرے خود اپنی اقتدا کرو. بس کر بے دین. ولید کی؟ ولید کتنا سخت جان ہے بانو. میں سمجھی کہ وہ میرے کل کے وار سے مر چکا ہوگا. مرد عورت کے وار سے مرتا نہیں، اسیر ہو جاتا ہے. آؤ آؤ نا.
देखो तो क्या हाल बनाया है तुमने वलीद का। इतनी अकड़ ना दिखाओ बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या तूफान है। वलीद की इख्तदा करना हराम है। शेख, ये कैसी बिदत है, खुदा के घर में एक मेहराब है जो वलीद ने गस्प कर रखा है। अबू मूसा अशअरी बेतरफियों की इमामत कर रहे, तुम भी इमामत का दावा कर रहे, एक मस्जिद में कितनी जमातें होंगी। मुस्तहब है कि एक ही इमाम जमात हो। ये गिरोबंदी दौरे जाहिलियत का तरीका है। काबे में हर कौम एक अलग बुत की परस्तिश करती थी। जिस बुत पर ज्यादा जेवरा चढ़ाए जाते थे वो ज्यादा बाइस फक्र था। कूफा भी इसी मुसीबत में गिरफ्तार है। नमाज पढ़ना इस मस्जिद में हराम है। मैं समझ न सका मालिक, ये बाप बेटी किस कदर फितना परवर है। खुदाया इस फितना परवर कौम की हिदायत फरमा। बुत की इख्तिदा करें, जमात की नियत ना करो। हमारा सजदा खुदा के लिए होता है न वलीद के लिए। वलीद कौमी तासुब को जिंदा करके कूफे के कबाइल को आपस में लड़वाना चाहता है। अगर अबू मूसा अशअरी को वलीद की नीयत का पता है तो वो रियासत तलब है वरना आमक है। वलीद की इख्तिदा करके उसके मकर फरेब को हमने उसी की तरफ पलटा दिया है। जिन्हें शेख पर इतिकाद है वलीद की इख्तिदा करें। इतने का बीज तुमने बोया है इब्ने मसूद। हाँ, कूफे के मुसलमानों में ये तफरका तुमने डाला है। कल तक तो तुम वलीद की नालायकी का ऐलान कर रहे थे, आज उसी की इख्तिदा कर रहे हो। वलीद ने तुम्हें भी खरीद लिया। अबू मूसा, समझते हो कि हमारा इख्तिलाफ दुनिया के लिए है। ऐलान तुमने किया था कि दुनियावी मामलात में मुदाखलत नहीं करोगे, अपने अकीदे पर कायम रहो। अगर वलीद के साथ में मुसालहत कर लूं तो क्या खताकार हूं? गुनाहगार हो तुम, गुनाहगार। तुमने वलीद की इब्तिदा करके अपने पिछले कौल को झुटला दिया। जब तुम्हें यकीन नहीं तो एक मुसलमान पर तोहमत लगाई और उसे बदनाम किया। मैंने इनकार कहां किया? जिसने भी मेरी जबानी वलीद के मुतालिक सुना है वो हकीकत है।
फिर ऐसी सूरत में इसकी इख्तिदा जायज नहीं। इख्तिदा ना करूं तो गुनाह है। तुम दीवाने हो, तुम भोले हो अबू मूसा, जल्दी फिसल जाते हो, कहीं अपने ईमान को न बेच देना। देखा अबू जुबैद, जब तक शेख रहेगा हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। ध्यान रखना कहीं नमाज कम से ज्यादा न पढ़ा दूं। अल्लाह حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه। नहीं वरदान, जब तक शेख कूफे में होंगे हमारा मकसद हासिल नहीं हो सकता। देखा नहीं उनके कहने से अज़दियों ने हथियार डाल दिए। अगर शेख के कासिद ने हमारे इख्तिलाफ की खबर अली तक पहुंचा दी और अगर अली ने मुदाखलत कर दी, हमें बिस्तर बांधना पड़ जाएगा। कूफे का दरवाजा बंद कर दो वरदान, ताकि शेख का खासिद निकलने ना पाए। इस अबा कुदाम का क्या करें? आए दिन फितना अंगेज फतवे जारी करता है। जो अपने अकीदे को ज्यादा जाहिर करता है उससे मत डरो। अबा कुदाम खुद अपना दुश्मन है, उससे छेड़ना नहीं वरदान। चौकस रहो कि शेख का कासिद निकलने ना पाए। क्या हो गया था? शक में इतनी सारी नमाजें पढ़ा दी वलीद, जिस मेहराब में तो रूह कहीं और। कहाँ हो वलीद? ये काली आंखों वाली भी खुदा की रकीब है अबू ज़ुबैद, दाई जान की भी क्या पसंद है। आओ शायर, देखते हैं दाई जान क्या खबर लाती है। देख लेना, दाई जान जो खबर लाएगी वो तुम्हारे अशार का भी जादू तोड़ देंगे। मैं समझ गया, जवाब भी क्या शायराना है। वलीद की इख्तिदा करना हराम है। उसकी इख्तिदा करना जिसके तुम पागल हो, क्या ये शिर्क नहीं? नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं। तुम काफिये में खो गए शायर, तुम खो गए। तुम्हारे पुराने अशआर तुम्हें मुबारक हो। मुझे दीवान मिल गया है, जिंदो सरशार, हजारों आशिकों के दिल का मरहम। मजनू निराकी का दीवान? नहीं, कूफे की शहजादी का दीवान। फुरहाद जितनी लंबी गजलों वाला, दो काली आंखों के साथ। मेरी गजलों की फुरहाद जारी है, काली आंखों के अशआर के साथ। तुम कहो तो मैं अपनी गजलों को जला दूं। फिर कूद गए हो पानी में? फुरात का पानी है दाई जान, रूह को ताजा कर देता है। खाना क्या बनाया? सब्जी का दलिया। घर की बेगम ने बनाया? नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। उसके हाथ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कुताम का उसे पता चल गया? हाँ, औरत देहाती हो और वो मर्द को ना पहचाने।
پھر میرے خیال سے اس کی جگہ تنور میں ہونی چاہیے. کتے کی طرح سونگتی رہتی ہے اور ہر چیز پر شک کرتی ہے. وہ تمہیں بہت چاہتی ہے. مجھے اس کے کھانوں پر شک ہے. مار ڈالوں گا میں تجھے چڑیل. کاش کہ تم ایسا کر سکتے. ہاتھ رک لو اپنا, تم یہ نہیں کر سکتے. تم نے اس کے سارے خاندان پر تھوک دیا ہے. فقط خاندان ہی پر نہیں, میری جوانی پر بھی تھوک دیا ہے دائی. میں کہتا ہوں تو چلی جا, چلی جا. میں چلی جاؤں؟ کہاں چلی جاؤں؟ مجھے کہاں جانا چاہیے؟ بڑی دیر سے اجازت دی ہے ولید, اب مجھے یہی رہنا ہے. تم مجھ پر تھوکتے بھی ہو؟ تیری حوث پوری نہیں ہوئی, اب میں یہی رہوں گی تاکہ تیرے جھوٹے عشق کرنے والوں میں زہر ملا سکوں. سونگ کے دیکھ, ابھی تک ان اونٹوں کی بو آ رہی ہے جس پر تو نے مجھے جھوٹے وعدے دے کر اپنے قافلے سے اٹھا کر لایا تھا. اپنے آپ پر تھوک لے یاش. میں ایک سیدھی سادی دیہاتی لڑکی تھی جو دن میں ہزاروں بار تیری جھوٹی محبت کے رنگین وعدوں میں رنگتی گئی. اب میں کہاں جاؤں؟ اب اس ہزاروں دلہن کے محل میں میری کوئی حیثیت نہیں, اور نہ ہی میری جھوپڑی میں رہنے والے مجھے پہچانیں گے. آخر کس بات سے پریشان ہو؟ اپنے نصیب سے. دیکھ رہی ہو میں کتنے سال کی ہوں؟ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا دسیوں دلہنوں کے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بال سوارے, خوشبو لگائی اور اس کے لیے تیار کیا. لیکن اس کی ہر کروٹ میں ایک نئی حوث ابھرتی ہے. ختام اب اس کی نئی حوث ہے. یہ امیر لوگ اپنی بیویوں کے لیے سب سے جھوٹے مرد ہیں. ان کے پاس عشق نہیں ہوتا بلکہ ریاست سے پر دل ہیں. اب ختامہ کو بھی میری طرح برباد نہ کرنا. ولید نے اختلاف کا بیج بو دیا ہے. کوفے کی قومیں آج ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑی ہیں. ابا ختام, اشس کندی جیسے ولید کے سکوں پر بک گئے ہیں. قوم ازد اور اسد لڑنے کے لیے مورچے بنا لیے ہیں. ابو موسیٰ اشعری کبھی ان کو برا کہتے ہیں تو کبھی ان کو. مالک استر کبھی ولید کے مخالف ہو جاتے ہیں تو کبھی اس کے ساتھ. اب ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے. اگر اس فتنے کا بانی فوراً نابود نہ ہو تو باپ بیٹے پر اور بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے گا ابا ختام. کوفہ تباہ ہونے سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. شیخ کیوں حق کو چھپا رہے؟ فتنے کے بانیوں میں ایک تو یہ شیخ ہیں, وہ علی سے ملے ہوئے ہیں. دینی تبلیغ کے بہانے وہ علی کے مبلغ ہیں. علی کے ماننے والے بیعت نہیں توڑتے ابا ختام. بلا شک وہ عثمان کے بعد خود کو خلیفہ سمجھتے ہیں. ان کی خاموشی میں ہزاروں راز ہیں. عثمان کو ہٹانے میں وہ شریک نہیں ہوں گے. تم علی کو سازشکار سمجھتے ہو؟
खलीफा की बिदअतों पर अली की खामोशी क्या माना रखती है। अली और उस्मान ये दोनों अब्दुल मुनाफ की आल से हैं और ये दोनों खुरैश हैं। इसके अलावा अली की खामोशी की एक और दलील भी है, वो उमर की शूरा में उस्मान के रकीब थे। अली जैसे दूरंदेश से बईद है कि खतरा मोल लें और खलीफा के खिलाफ आवाज उठाकर उन्हें खिलाफत से हटा दें। इसलिए कि लोग उस्मान के बाद अली की खिलाफत पर शक करेंगे और कहेंगे कि खुद अली ने खिलाफत पर कब्जा करने के लिए अपने रकीब को हटा दिया। अल्लाहुल आलम। तुम पछता रहे हो? किस बात से? खलीफा की बयत शिकनी के बाद मैंने अपने दीन पर अमल किया है। पछताना कैसा? फिर पक्का इरादा कर लो, अब आखुताम काम तमाम कर देते हैं। खलीफा को हटाने के लिए वलीद और शेख कूफा को हटाना होगा। तुम अपने बेटों के साथ शेख को मारोगे। मैं और मेरे बेटे वलीद का काम तमाम करेंगे। तुम्हें मंजूर है? रुक जाओ, वलीद को हम मारेंगे। तुम वलीद को मारोगे? वलीद का मारना आसान नहीं है, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। शेख को तुम मारोगे? तुम शेख को क्यों नहीं मारते? जिस वजह से कि तुम उन्हें मारना नहीं चाहते। तुम हमारी वजह जानती हो। वलीद के मानने वाले दुनियादार हैं और शेख के मानने वाले ईमानदार हैं। जो लोग शेख के साथ हैं वो उनसे अकीदत रखते हैं और जो लोग वलीद के साथ हैं वो सब खजाने के लालची हैं। अगर शेख मारे गए तो उनके मानने वाले किसास लिए बगैर नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वलीद मारा गया, कूफे का खजाना तो है, तो शायद ही कूफे में वलीद का कोई खूखा होगा। वलीद का खूखा? वलीद के खून का खिसास खलीफा उस्मान लेंगे। खलीफा मदीने में है ना, कि कूफे में? الخالق ये लड़की आदमी है या परी? अबाकुताम चलो कबूल है, शेख को हम लोग मारेंगे। किसास का क्या करोगे? शेख ऐसे मारे जाएंगे कि किसी को हम पर शक नहीं होगा। तुम वलीद को किस तरह मारोगी? वलीद को उसका कोई करीबी कत्ल करेगा। वलीद, तुझे अपने तीर इश्क से मारूंगी, अपनी नफरत के वार से
निकल जा, कूफा हमारा है। की शहजादी और बेखबर आजकल तुम्हारी आंखें धुंधला देख रही हैं और तुम्हारे कान ऊंचा सुन रहे हैं और कुछ दिनों से बिल्कुल खोई खोई रहती हो। हमेशा यही सवाल हम तुमसे क्या करते थे, क्या बात है? बता दूं तो तुम्हारा खून खौल जाएगा और तुम कुछ कर बैठोगे। बताओ क्यों खौफजदा हो? शेख कूफा की फातिहा पढ़ो। मर गए? काश मर गए होते, हमें भी कोई परेशानी ना होती। ये मुर्दा परस्त कूफे वाले मरे हुए शेख को ज्यादा मानते हैं। सामान समेटो कुताम, शायद हमें कूफा छोड़ना पड़ जाए। शेख को चिलावतन कर दिया गया। कुताम, फिर वो जश्न, शादी की रस्में और वलीमे के पकवान का क्या होगा? तूने ख्वाब देखा था कि तू दुल्हन बनेगी। तुम चुप रहो बहन, औरत का ख्वाब झूठा होता है। इतने बच्चों के साथ दर बदरी, एक हाथ में, एक गोद में, एक पीठ पर और एक पेट में, इससे बेहतर तो जिंदा बगौर होना था। हाय खाक हो सर पर। शोर ना करो, तुम औरतों को तो बक बक करना और बच्चे जनना आता है। जी चाहता है तो और भी बेटे जनो। अगर शेख कूफा से चले गए तो वलीद बैचिकनों के पीछे पड़ जाएगा। वलीद हमारा दुश्मन तो है ही, शेख को भगाकर हमको कुचल डालेगा। हमारी भी अजीब हालत है। ये डरपोक लालची कूफे वाले आज या शेख कह रहे हैं, कल वलीद की एक आंख दिखाने पर हमें भी बेच डालेंगे। देर होने से पहले हमें भी कूफा छोड़ देना चाहिए। अगर कूफे में रहें तो वलीदियों से नहीं बच सकते। इब्ने वहाब जलील कमीना कहीं का, उसे पता था कि शेख की जिलावतनी का हुक्म आ चुका है, जबी तो हमें शेख को मारने पर उभार रहा था, जानते हुए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तो मजबूरन हमें वलीद को मारना पड़ेगा। हम फरेब खा गए। कहाँ वो खुताम? उसकी गर्दन उड़ाने के लिए। कुछ भी तो नहीं हुआ, क्यों परेशान हो? कुछ भी नहीं हुआ, शेख को शहर बदर करके वलीद अब सबको चीरता फाड़ता फिरेगा। अपने पंजों पर चलने लगेगा, फिर मैं किस पर भरोसा करूं? यही कूफे वाले जो सुबह और शब की नमाजों में दो दो की इख्तिदा करते हैं, यही दोगले लोग जो हमारी नीयत को अच्छी तरह जानते हैं, कल वलीद के साथ हो जाएंगे। वलीद अगर हमारी नीयत समझ गया तो हम पर तलवारें चला देगा, तलवारें। किस सबूत पर? सबूत किस चीज का? हम कूफे में वलीद के खुले दुश्मन हैं, और वलीद वो भेड़िया जिसको तुमने मिंबर पर रुसवा किया, याद नहीं है तुम्हें? हाय अल्लाह, आप जंग का रुख देख रहे हैं, खून और शमशीर, क्यों यकीन नहीं करते कि वलीद जैसों को एक इशारे में मारा जा सकता है? मारो, मार डालो उसको, बक बक क्यों करती हो? मार डालो वलीद को। वलीद मर चुका है, अगर वो जिंदा होता तो तुम लोग उसके खिलाफ बकते हुए कूफे में नहीं फिर सकते थे। मेरा निशाना उसके दिल पे बैठ गया है। हाँ
तुमने वलीद को ख्वाब में मारा है या ख्याल में? अगर बता दूं तो क्या सुन सकोगे? कह दे कि मैंने गलत सुना है कुतान। मैंने गलत बात नहीं की। बेहया, बेशरम, मैंने तुमको गैरत और हया सिखाई थी। तो क्या यही सिखाया था कि हर दरवाजे की आवाज पर कोठी में घुस जाऊं और मुंह में उंगली दबाकर मर्दों की आवाज में कहूं अलैकुम अस्सलाम? यही सिखाया था कि अपनी माँ की खबर पर जोर जोर से ना रोऊं, बैन ना करूं? खुदा ने मुझे आंखें दी हैं, लेकिन वही देखूं जो आप चाहो, कान से वही सुनूं जो आप कहें, खुद ना देखूं, खुद ना सुनूं? मुझे मालूम था तुम लोग नहीं सुन सकोगे। जब नहीं सुन सकते तो अपने कान बंद कर लो। मैंने वलीद को फासिक समझ के उसके मेंबर को खराब नहीं किया, बल्कि इस तरह मैं वलीद को अपना बनाना चाहती थी। أعوذ بالله من شر الشياطين الرجيم والرجيمة أعوذ بالله من شر التقصير او بدبخت کمینی غیرت دار بھائی اپنی بہن پر تلوار اٹھاتے ہیں یا اپنے بھائی پر؟ ہاں ابا ختام، उठो, अपने बेटों से कह दो कि परसों पहले मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया था। ये भी बता दो कि आपने मेरी तरबियत की है, खून और तलवार के अलावा कुछ नहीं सिखाया। इन्हें ये भी बता दो मैं शादी से क्यों भागती हूँ और मेरी जनाना रूह को आपने मार डाला है। मेरी और वलीद की बात लैला और मजनू की कहानी नहीं, बल्कि मजनून और मजनू का किस्सा है। जंगजू औरत नहीं देखी? अगर जिरा मुझ पर हराम है तो मेरी काली आंखें जिरा का काम करती हैं। मेरी जबान तलवार की तरह तेज, अबरू मेरी कमान, जुल्फे मेरी जंजीर हैं। तुम्हें खूने वलीद चाहिए और मुझे कुदरत वलीद। जब तक तुझ जैसी शैतान रहेगी, यहां से बरकत व रहमत जाती रहेगी। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बेहया। आओ मार डालो मुझे। बस करो। तलवार रख दो। ये तुम क्या कर बैठी? ये सब आपकी वजह से हुआ बाखुताम। आपने पिदरी की है, मादरी नहीं। मैं मर्द हूं, पिदरी ही कर सकता था। तो अभी भी पिदरी करो या कहो वली दुश्मन है, खुदा से शादी करना हराम है। आपको तो यही कहना आता है ना? या अमीर, अनकरीब कूफे वाले हमारे खिलाफ बगावत कर जाएंगे। शेख को कूफे में रहने पर इसरार कर रहे हैं। शेख क्या कह रहे हैं? सब्र के लिए कह रहे हैं। फकत सब्र? नहीं, वो कूफियों में इत्तेहाद और तफरका खत्म करने को भी कह रहे हैं। सुना तुमने, कूफियों में इत्तेहाद? फिर हम क्या करें? हुक्म खलीफा नाफिज ना करें? खलीफा का हुक्म बजा लाने में मुश्किल कूफे वाले और मुश्किल कुशा भी कूफे वाले। अगर कुछ लोग शेख के जाने पर राजी हो जाएं, तो राह हमवार हो सकती है। कूफे वालों को आपस में लड़वा कर अगर खलीफा का हुक्म नाफिस करना है, और अहले कूफा मुश्किल खड़ी करते हैं, तो
जंग के सिवा कुछ चारा भी नहीं है। कूफे की अमनियत खत्म हो जाएगी तो हुक्म खलीफा नाफिज न करो। अबू जुबैद का मकसद मैं समझ गया आशस। कूफियों की आपस में जंग एक जबानी जंग होगी, ना तलवारों की जंग। झगड़े के दरमियान हमारे लोग आ जाएंगे और खूरेजी होने नहीं देंगे। शेख बिरादर कुशी का इरादा रखते हैं। जब शेख अपने मुआफिक और मुखालिफ देखेंगे तो कूफा छोड़कर वो खुद ही चले जाएंगे। मेरा नजरिया वही है जो सबका। क्या सुम मुंबुकम खड़े हो, तुम भी तो कुछ कहो। इन लोगों की जबान तो तुम हो अशस। जब तक कूफे में सुकून न हो, हमदान की हुकूमत का वादा एक ख्वाब समझो अशस। कूफे के हालात पर नजर रखो वरदान। शेख की बेहुरमती न होने पाए उन्हें दरूद व सलाम के साथ रुखसत करना। इताअत। अब तुम लोगों को भी अपना काम करना होगा। मैं अपने मुआफिक और मुखालिफ को आमने सामने देखना चाहता हूं। बस आज रात की मोहलत है। अब तुम लोग जा सकते हो। भाइयों, आप लोगों ने शेख के साथ नमाज़े विदा पढ़ ली, अब अपने घरों को क्यों नहीं चले जाते? एक वादा करें कि वो कूफे में रहेंगे। तुम्हें शेख का जवाब मिल चुका है। शेख का कूफे में रहना खलीफा से बेहद शिकनी है। इसरार क्यों कर रहे हो? शेख बेहद शिकनी ना करें, हम उन्हें कूफे में रहने के लिए मजबूर करेंगे। अगर खलीफा जान लें कि कूफे वाले शेख के तरफदार हैं तो वो भी राजी हो जाएंगे। तो वलीद कूफे में किस काम का? तमीर कूफा है, रहे, हमें कोई एतराज नहीं। खूब, अगर वाकई सारे कूफे वाले मुत्तहिद हो जाएं तो शायद शेख रुक जाए।
रोको, शेख को रोको। शेख कहीं नहीं जाएंगे, शेख यहीं रहेंगे, यहीं पर। शेख को ना जाने दो लोगो। वलीद शेख का दुश्मन है, ये उसी की साजिश है। हम उसकी एक ना चलने देंगे, शेख यहीं रहेंगे, यहीं। हम शेख के हामी हैं। शेख कहाँ जा रहे हैं? हम आपके साथ हैं, आपको यहीं रुकना होगा। हम आपके दुश्मन को कूफे से बाहर निकाल देंगे। आप रुकें, आप कहीं ना जाएं शेख। हम सब आपके साथ हैं, हम आपके दुश्मन को कूफे में नहीं रहने देंगे। हम शेख के तरफदार हैं, शेख कूफा छोड़कर नहीं जाएंगे, शेख कूफा छोड़कर नहीं जाएंगे, शेख यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। रास्ता बंद कर दो शेख, शेख नहीं जाएंगे। खुदा पर भरोसा रखो, जो भी मेरे खिलाफ या मेरी हिमायत में बोलेगा वो शैतान कूफा के बहकाने में आ गया है। इख्तिलाफ से बचो और निफाक से परहेज करो। खलीफा ने मुझे बुलाया है, नाफरमानी नहीं करूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। शेख, अपनी जिला वतनी कबूल करना, अपनी खता का इतराफ करना है। नहीं, फिलहाल कूफा मेरे हक में नहीं है। अरे अहले कूफा, ये जान लो कि इंसान के अंदर दो कबीले होते हैं और हर कबीले के पीछे शैतानी लश्कर होता है। होशियारी से काम लेना, लड़ना नहीं, और अपने वहशी बातिन की इमामत खुद करें। अपने मुकाम को पहचानो के हमसायगी में तुम्हारी दीवार दीवार नबुवत से मिली हुई है। और ये भी जान लो कि उस आसमान के नीचे सांस लेते हो जिस पर निगाह रसूल के सितारे बरसते हैं, और उस जमीन पर चलते हो कि जिसकी अर्श आजम पर मलाइका तस्बीह किया करते हैं, और ऐसी जबान बोलते हो जिस जबान में खुदा ने अपनी हुज्जत को मखलूक पर कायम कर रखी है। ऐसा काम न करना कि हमारे बाद की नस्लें अरबों को इतनी फजीलतों के हकदार न समझें। बचो इख्तिलाफात और तफरके से, वरना ईमान तुम्हारे दिलों से जायल हो जाएगा। नफरत के बजाय एक दूसरे से मोहब्बत करो। धमकियां नहीं, आपस में नसीहत करना। हमारे दूर और नजदीक के अजीज और अकारिब मार दिए गए ताकि हम न मारे और न मारे जाए। कहीं सुनी माफ कर दो। अगर किसी का हक मुझ पर है तो आकर यही मुझसे ले ले। अगर किसी से नाइंसाफी की हो तो इसी जगह पे आके खिसास ले ले। जो भी मुझसे मोहब्बत रखता हो वो मालिक अश्तर नकई से जुदा न हो। इस मर्द की गुफ्तार गुफ्तार अली से शबाहत रखती है। तुम जब तक दिलो जान से उनके साथ रहोगे, वलीद और वलीदियों से महफूज रहोगे। जब तक उम्र बाकी है आंखें राह कूफा पर बिछी होंगी,
और मुंतजर रहूंगा कि कासिद कौम अज़द व असद की सुलह की खबर लाए। आपकी याद बहुत सताएगी। ना कहो मालिक, ये एक दर्द भरी हिकायत है। मैं भी अली की याद में तड़प रहा हूं। खुदा हाफिज मालिक। चलते हैं। क्या तुमने अपना जहेज तैयार कर लिया है मेरी बेटी? हमारा जहेज या हमारा ईमान है? ईमान या तुम्हारा दिल? तुम खुदा के लिए शेख की तरह बातें ना करो। तुम्हारी जगह हुजले अरूसी है ना मेंबर, ये काला लिबास क्यों कर? हम सोगवार हैं। आय हाय, ऐसी मनहूस बातें खुदा के लिए ना करो मेरी जान। ये कारावान जो तुमने देखा, पेदर कूफा का जनाजा साथ ले गए। हम कूफे की लड़कियां 40 दिन तक आजादार हैं। आय हाय, अब 40 दिन इंतजार करना पड़ेगा? तुम वलीद को तड़पा के मारना चाहती हो? अगर हाँ भी कहूँ तो वो खुशी से मर जाएगा। खुदा की पनाह में।